हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है गाइस, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप ये देख सकते हो, इसको मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बोला जाता है। मल्टीपर्पज प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये स्पाइक लाइट बोला जाता है जो गार्डन में यूज़ होती है। अगर इंडोर के लिए यूज़ करो तो इसको वॉल वॉशर बोला जाता है या स्पॉट लाइट भी बोला जाता है। तो काफ़ी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी साइजेज है, कलर ऑप्शन भी है। तो सारी साइजेस के बारे में आज हम जानेंगे और कौन से कलर ऑप्शन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्या प्राइजिंग होगी और क्या इसका यूज़ कर सकते हो आप बेस्ट से बेस्ट, ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखे, सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने लव वंस के साथ कि सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से दिखता है। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये कुछ दिखने में इस तरह से है। ये ब्लैक बॉडी में आता है गाइस, आप ये देख सकते हो, कास्टिंग बॉडी आती है इसकी और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। IP65 है, आप ये देख सकते हो, इसके ऊपर मेंशन किया गया है IP65, आप ये देख सकते हो। तो आउटडोर के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। IP65 गाइस, काफ़ी लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है, IP65 इस पर आपका पानी पास होता रहेगा गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इस पर अगर पानी कितना भी पास होगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसको पानी के अंदर, जहाँ पे पानी जमा होता है आपके गार्डन एरिया में कहीं पे भी, तो वहाँ पे इसको प्लेस मत कीजिए। अगर इसके आजू बाजू या इसके ऊपर पानी जमता है तो ये ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि ये अंडर वाटर की लाइट नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ये आप कहीं पर भी लगाइए जहाँ पर पानी पास हो, पानी के अंदर लगाने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ इसमें जो मैं आपको बॉडी दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, इसमें बैक साइड में एक मूवमेंट दिया है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइट को अप या डाउन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन इसमें दिए हैं। साइड में स्क्रू दिए, आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हो। इसके बैक साइड में आपको एक वायर दिखेगा, जस्ट वायर इसलिए दिख रहा है कि इसके अंदर इनबिल्ट ड्राइवर है। तो आपको जस्ट वायर देखने मिलेगा, आपको ये कनेक्ट करना है, अंदर इनबिल्ट ड्राइवर है। और आप फ्रंट में आप देख सकते हो, इस तरह से आपको क्लियर ग्लास देखने मिलेगा जिसके अंदर LED चिप लगी है, COB की चिप है, आप ये देख सकते हो। रिफ्लेक्टर काफ़ी अच्छा होने की वजह से इसका जो थ्रो है काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप ये देख सकते हो, ये हो गई इसकी बॉडी। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो, आप ये देख सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली इसको नीचे लगा सकते हो, जो यहाँ पे स्क्रू करके, यहाँ पे अगर आपने स्क्रू किया तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो कहीं से भी, आप ये देख सकते हो। लगाने के बाद आप डायरेक्ट भी फिक्स कर सकते हो, या इसके साथ एक आपको स्टिक मिलेगी, आप ये देख सकते हो। ये स्टिक जो मिलेगी, आप यहाँ पे स्क्रू दिया है, ये आपको स्क्रू निकाल के यहाँ पे टाइट करनी है, आप ये देख सकते हो। तो ये आपके गार्डन में भी कहीं पे यूज़ करनी तो आप कर सकते हो, तो इसलिए इसे स्टिक दिए। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आपको यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसकी आपको गाइस साइज़ बता देता हूँ। साइज़ इसमें सबसे छोटी साइज़ आती है, आप ये देख सकते हो, ये 3 वॉट की आती है, ये 3 वॉट की साइज़ है। 3 वॉट के बाद आपको 5 वॉट की साइज़ मिलेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हो। 5 वॉट के बाद गाइज आपको 9 वॉट्स मिलेगी, 9 वॉट्स में आप देख सकते हो थोड़ी बॉडी का डिफरेंस है। इसके बाद आपको 12 वॉट्स मिलेगी और 16 वॉट्स मिलेगी। तो ये सारी साइजेस इसमें अवेलेबल है। साइज़ इसलिए अवेलेबल है, अगर आपका एरिया बड़ा है, बड़ा ट्री है उसको फोकस करना है तो आप बड़ी लाइट फोकस कर सकते हो, और अगर छोटी ट्री है तो अलग अलग साइजेस इसमें हैं। तो उस हिसाब से अपने यूज़ के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप कोई भी लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हैवी वोल्टेज की स्पाइक लाइट भी आती है जो 7 वॉट और 12 वॉट्स में आती है, जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। जनरली ये मार्केट में बहुत कम जगह पर अवेलेबल है, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको ये भी मिल सकता है तो इसका जो थ्रो है ये काफ़ी दूर तक जाता है और लाइट का जो इफेक्ट है काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक वॉल वॉशर आता है जनरली एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए, तो मैं अभी वो भी आपको जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह का प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी ले सकते हो। इसके बाद ये आपकी साइजेस हो गई। तो अब हम बात करते हैं इसके कलर्स के। तो गाइस, इसमें आपको कलर के ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे से मिलेंगे, काफ़ी कलर्स अवेलेबल है इसके अंदर। सिंगल कलर्स तो आपको काफ़ी मिल जाएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ये सारे कलर्स अवेलेबल है। कहीं कहीं में पिंक कलर्स भी आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर मल्टी कलर की रिक्वायरमेंट है कि एक ही फिटिंग में आपको 6 से 7 कलर मिले तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुछ फिटिंग्स में वो कलर्स अवेलेबल है, तो आप देख के लीजिए आपको कौन से फिटिंग्स में वो कलर्स मिल रहे हैं, जिसमें एक ही फिटिंग्स में आपको 7 कलर जो स्लो मूविंग कलर चेंज हो गए
काफ़ी सॉफ्ट चेंजिंग है, तो गार्डन्स में काफ़ी अच्छा लगता है रात के टाइम पे कि पूरा डार्क एरिया है और कलर्स अपने आप चेंज हो रहे हैं ट्री के या गार्डन के, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगता है। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट कुछ कुछ साइज़ में मल्टी कलर्स अवेलेबल है, सारी साइज़ में आपको मल्टी कलर नहीं मिलेगी, कुछ कुछ साइज़ में आपको कलर ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट कुछ कुछ साइज़ में आपको काफ़ी कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये थी गाइज इसके कलर के ऑप्शन। अब इसकी मैं अप्रोक्सीमेट आपको प्राइस बता देता हूँ। प्राइस गाइज आपको अगर 3 वॉट की आप लेने जा रहे हो तो आपको 250 से लेके 350 के आसपास अप्रोक्सीमेट खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर 5 वॉट के लिए जा रहे हो तो 350 से लेके 500 तक की रेंज है। अलग अलग साइज और अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेट्स है, डिपेंड्स ऑन वारंटी एंड क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद की जो 9 वॉट्स है ये आपको 600 से लेके अप्रोक्सीमेट 900 के आसपास मिल सकती है, काफ़ी लंबी रेंज है। बॉडी में काफ़ी डिफरेंस है इसलिए प्राइस रेंज में भी काफ़ी डिफरेंस है, आप अपने एरिया में चेक कीजिए क्या प्राइस में आपको मिल रहा है। 12 वॉट की जो साइज़ है ये आपको अप्रोक्सीमेट 900 से 1400 के आसपास मिल सकती है 12 वॉट्स, और इसकी जो 16 वॉट है वो आपको 1300 से लेके 1800 की आसपास की रेंज में मिल सकती है। ये सारे प्रोडक्ट आपको नॉन वाटरप्रूफ भी मिलेंगे और वाटरप्रूफ भी मिलेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप ले सकते हो कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड का विद गुड क्वालिटी एंड विद गुड वारंटी आप देख के लीजिए। तो ये थी इसकी साइजेस की प्राइजेस। अभी इसका हम यूज़ बात कर लेते गाइज। गाइज इसका यूज़ काफ़ी तरीके से आप कर सकते हो। पहले मैं इंडोर की बात करता हूँ। इंडोर में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ गणपति फेस्टिवल्स में होता है। गणपति फेस्टिवल्स में इसका सेल काफ़ी बढ़ जाता है बिकॉज जो डेकोरेशन लोग करते हैं वो डेकोरेशन को हाईलाइट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी लाइट्स है। इसका जो लाइट का थ्रो है काफ़ी ब्रॉड होता है और काफ़ी दूर तक जाता है, तो काफ़ी लाइट्स का थ्रो और काफ़ी कलर्स ऑप्शन होने की वजह से फेस्टिवल्स में काफ़ी अच्छे से लाइट चलती है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है सारी साइज जो है उसमें। इसके बाद जो इवन दूसरे जो फेस्टिवल्स आते हैं क्रिसमस फेस्टिवल्स, उसमें भी डेकोरेशन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। वॉल पे भी आप काफ़ी अच्छा हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी सीलिंग में कहीं पे पॉइंट है, सीलिंग से अगर आपको वॉल को हाईलाइट करना है तो आप सीलिंग से वॉल को हाईलाइट कर सकते हो अलग अलग कलर्स के साथ। काफ़ी लोग वीडियोज़ बनाते हैं तो जो स्टूडियो बनाते हैं स्टूडियो के बैक साइड में जो कलर्स इफेक्ट वगैरह जो चेंज होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के लाइट का काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो आप ये देख सकते हो। तो अगर आप वीडियो बना रहे हो तो इस तरह के लाइट का, अगर आपको कलरफुल लाइट चाहिए तो इस तरह की लाइट्स आप ले सकते हो। डार्क एरिया रहेगा तो कलर इफेक्ट काफ़ी अच्छी आती है, तो आप ये देख सकते हो। तो इसके अलावा वॉल वॉशर का यूज़ किया जाता है इंडोर, या फोटोज़ वगैरह कहीं पे है तो फोटो फ्रेम के ऊपर भी इसको लगाया जाता है, आप देख सकते हो इस तरह से इसको कुछ लगाया जाता है। तो रेंज वाइज काफ़ी कम है छोटी साइज़ की, तो काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं फोटो फ्रेम के लिए भी, तो आप भी देख सकते हो अपने घर के लिए। तो गाइज ये हो गया इसका इंडोर यूज़। आउटडोर में आप गार्डन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे गार्डन में आपकी बाउंड्री वॉल है या बंगलों की वॉल है या फिर आपकी बिल्डिंग्स की वॉल है, अगर उसको हाईलाइट करना है तो आप इससे आपकी पूरी वॉल को हाईलाइट कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। कोई भी कलर्स अलग अलग कलर्स के साथ आप ले सकते हो, मल्टी कलर ले सकते हो, तो वॉल हाईलाइट काफ़ी होती है। काफ़ी ट्रीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो अलग अलग साइज़ से, आपकी अगर ट्री की जो भी साइज़ है तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा आपका जो गार्डन्स है, गार्डन का जो फ्लोर रहेगा तो फ्लोर पे भी इसको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, तो फ्लोर पे भी काफ़ी अच्छी लाइट लगती है रात के टाइम पे। अगर सारा डार्कनेस है तो फ्लोर पे काफ़ी लाइट्स अलग अलग दिखती है, सिंगल कलर रखो मल्टी कलर रखो जो भी आपको रखना है, तो फ्लोर को भी काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो और गार्डन में भी काफ़ी अच्छी तरह से इसको आप ब्राइट कर सकते हो। जो भी साइज़ आपको चाहिए आप ले सकते हो, बड़ी साइज़ की ट्री है तो बड़ी साइज़ लीजिए, छोटी ट्री है तो छोटी साइज़ लीजिए। जिस तरह से आपको ब्राइटनेस करना है, जिस तरह से आपको हाईलाइट करना है, तो अपने हिसाब से अपनी साइज सिलेक्ट करके आप इसको ले सकते हो। बट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, वाटरप्रूफ है, रेंज वाइज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है, काफ़ी कस्टमर्स लेके जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बेटर है, लाइफ काफ़ी बेटर है। दूसरी इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है, ये जो आपको प्रोडक्ट है काफ़ी कंपनी आपको 1 साल 2 साल की वारंटी देगी। 1 साल 2 साल के बाद भी गाइज अगर इसको कुछ होता है तो आप इजी टू रिप्लेस कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर जो एलईडी बल्ब आप देख रहे हो ये इजीली अवेलेबल है सारे वोल्टेज के। इसके अंदर जो ड्राइवर है ये भी इजीली अवेलेबल है सारी जगह पे। तो अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो इसको आप रिपेयर करके अगेन यूज़ कर सकते हो। बॉडी इसकी काफ़ी स्ट्रांग दी गई है और लाइट और जो क्वालिटी जो बनाई है काफ़ी अच्छी है, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से लीजिए, जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो गाइज ये थी आज के प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इसी तरह आपको मिलती रहेगी। तो खुश रहे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।